साथियों, आपको याद होगा 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो देश में 300-400 के आसपास स्टार्टअप हुआ करते थे और कोई स्टार्टअप शब्द भी सुनाई भी नहीं देता था, न उसकी कोई चर्चा हुआ करती थी। लेकिन आज 8 वर्ष के इस छोटे से कालखंड में भारत में स्टार्टअप की दुनिया ही बदल चुकी है। आज हमारे देश में करीब 70,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हम दुनिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न हब्स में भी एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। आज औसतन 8 या 10 दिन के भीतर भीतर भारत में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाता है, यूनिकॉर्न में बदल रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि शून्य से शुरू करके किसी एक स्टार्टअप का यूनिकॉर्न बनने का मतलब होता है कि इतने कम समय में करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए की पूंजी तक पहुंचना, तब एक यूनिकॉर्न बनता है। और आज 8-10 दिन में एक नया यूनिकॉर्न इस देश में हमारे नौजवान बना रहे हैं। साथियों, ये भारत के युवाओं का सामर्थ्य है, सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त करने की इच्छा शक्ति का उदाहरण है। और मैं अर्थ जगत के नीतियों का अध्ययन करने वाले जानकारों को एक बात नोट करने को कहूंगा, भारत में जितना बड़ा हमारे स्टार्टअप का एक वॉल्यूम है उतनी ही उसकी डायवर्सिटी भी है। ये स्टार्टअप किसी एक राज्य या 2-4 मेट्रो सिटी तक सीमित नहीं है। ये स्टार्टअप हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में, हिंदुस्तान के अनेक छोटे छोटे शहरों में फैले हुए हैं। इतना ही नहीं, एक मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 50 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज से स्टार्टअप जुड़े हुए हैं। ये देश के प्रत्येक राज्य और 650 से ज्यादा जिलों में फैले हुए हैं। करीब 50% स्टार्टअप तो ऐसे हैं जो टियर 2 और टियर 3 सिटी में आते हैं। अक्सर कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि स्टार्टअप यानी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ये नौजवानों का कोई खेल चल रहा है, कुछ कारोबार चल रहा है। ये भ्रम है, हकीकत यह है कि स्टार्टअप का दायरा और विस्तार बहुत बड़ा है। स्टार्टअप हमें कठिन चुनौती का सरल समाधान देते हैं और हम देख रहे हैं कि कल के स्टार्टअप्स आज के मल्टीनेशनल्स बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, रिटेल बिजनेस के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में नए नए स्टार्टअप्स उभर करके आ रहे हैं।